नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं विभिन्न जानवरों का गर्भकाल। गर्भकाल किसे बोलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी भी पशु के निषेचन से लेकर के उसका गर्भकाल पूरा होने यानी उसकी प्रसव क्रिया पूरा होने के अंदर निषेचन से लेकर के प्रसव तक के बीच में जो समय लगा होता है आपका, उसे अपन गर्भकाल या गेस्टेशन पीरियड या गर्भावधि बोल सकते हैं। अब ये सभी जानवरों में दोस्तों अलग अलग होता है। गाय का अलग होता है, भैंस का अलग होता है, घोड़े का अलग होता है। इस वीडियो में अपन जानेंगे सभी जानवरों का जो गर्भकाल होता है वो कितना कितना होता है। दोस्तों क्लास में लास्ट तक बने रहना, क्लास अच्छी लगे तो सभी भाइयों के पास में शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन गाय के गर्भकाल के बारे में। तो दोस्तों जो गाय का गर्भकाल होता है ये 9 माह और 9 दिन का होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। कितने दिन का? 9 माह और 9 दिन का। दूसरे नंबर पे अपन बात करें भैंस का जो गर्भकाल गेस्टेशन पीरियड होता है ये होता है आपका 10 माह और 10 दिन का होता है, ठीक है। गाय का हो गया आपका 9 माह 9 दिन, भैंस का हो गया आपका 9 माह और भैंस का हो गया आपका 10 महीने और 10 दिनों का। बात करते हैं अब अपन भेड़ के गर्भकाल के बारे में। तो दोस्तों भेड़ को अपन दो तरीके से पाला करते हैं, एक तो मांस पालन के लिए और दूसरा उसकी ऊन उत्पादन के लिए अपन भेड़ को पाला करते हैं। तो जो ब्रीड दोस्तों मांस उत्पादन यानी मटन ब्रीडिंग के लिए पाली जाएगी उसका तो गर्भकाल हो जाएगा आपका 145 दिन का, ठीक है। और जो भेड़ ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है उसका गर्भकाल होगा आपका 150 दिन का, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बकरी के गेस्टेशन पीरियड की। तो दोस्तों इसका जो गर्भकाल होता है ये 5 माह और 5 दिन या दिनों में अपन बात करें टोटल तो दोस्तों 155 दिन भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बकरी का गर्भकाल। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो सभी भाइयों के पास में एक बार शेयर जरूर करें। ये दोस्तों ये टॉपिक जो आपका है सभी एग्जाम यानी कि आपके फोर्सेस में भी एग्जाम आने लगे हैं जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ उनमें भी ये टॉपिक आ जाता है आपका, क्वेश्चन किसी ना किसी का आपको पशु का गर्भकाल वहां पर पूछ लिया जाता है तो सभी पशु के अपन देखने वाले हैं। बात करते हैं अपन सूरी का जो गर्भकाल होता है दोस्तों ये 3 माह, ठीक है, 3 वीक प्लस 3 दिन। कितना हो गया सूर्य का गर्भकाल? 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन किया हो गया। अगर इसके टोटल दिन गिनते हैं अपन तो लगभग दोस्तों ये 114 दिनों का हो जाएगा, ठीक है। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, गाय का 9 माह 9 दिन, भैंस का होता है 10 माह 10 दिन, भेड़ का होता है 145 दिन मटन ब्रीड का, ठीक है। वूल उत्पादन के लिए यानी ऊन उत्पादन के लिए जो पाली जाती है उसका होता है 150 दिन का मेरे दोस्तों। बकरी की बात करें 5 माह 5 दिन टोटल दिन लगाए अपन 155 दिन हो गए। बात करते हैं सूरी या सूरी का गर्भकाल कितना होता है? 3 माह 3 वीक और 3 दिन, ठीक है। टोटल दिनों में गिनते हैं तो 114 दिनों का सूरी का गर्भकाल होता है मेरे दोस्तों। बात करते हैं अपन घोड़े के गर्भकाल के बारे में। तो दोस्तों जो घोड़े का गर्भकाल होता है आपका ये होता है 11 माह, कितने होता है 11 माह प्लस 11 दिन, ठीक है। घोड़े का गर्भकाल कितना हो गया? 11 माह 11 दिन। बात करें ऊंटनी के गर्भकाल के बारे में। तो दोस्तों जो ऊंटनी का गर्भकाल होता है ये 390 दिनों तक होता है, ठीक है। कितना? 390 दिनों का आपका ऊंटनी का गर्भकाल हो गया मेरे दोस्तों। बात करते हैं नंबर 8 पे खरगोश के बारे में। तो दोस्तों जो खरगोश का गर्भकाल होता है आपका ये होता है 30 से 32 दिनों का। कितना होता है? 30 से 32 दिन, ठीक है। बात करें नंबर 9 पे कुतिया की। तो दोस्तों जो कुतिया का गर्भकाल होता है ये 62 दिन का। नंबर लास्ट 10 बिल्ली की बात करें तो बिल्ली का भी दोस्तों लगभग 62 दिन होता है।
तो दोस्तों ये सभी पशुओं का हमने गर्भकाल देख लिया इस वीडियो में। अगर ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहे, इसी तरीके की वीडियो हर टॉपिक के लिए आपके लिए लेकर के आते रहेंगे दोस्तों।